अम्बाला में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संत समाज से 50 संत मौजूद रहे, जिसमें से राम मंदिर को लेकर स्पष्ट किया गया कि राम मंदिर का निर्माण जल्द किया जाए, नहीं तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सम्मेलन के बाद संत समाज ने एक मांग पत्र भी सांसद को सौंपा, जिसको लेकर कटारिया ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि कोई हमें कुर्सी से उतार कर फेंक दे, उससे पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। अगर राम मंदिर ये लोग नहीं बनाते इलेक्शन से पहले तो इस सरकार को उखाड़ कर हम फेंक देंगे। बीजेपी सरकार सेंटर में दोबारा नहीं दिखेगी आपको। क्या कुछ अध्यादेश बनाया गया है, क्या फैसला रहेगा आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? लड़ाई पहले तो हम लोग शांति से चाहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि संसद में ये बिल पास हो और राम मंदिर का बनना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो उच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसकी हम पैरवी इतनी जल्दी जल्दी कर दें, तो उन न्यायाधीशों से हम लोग पूछना चाहेंगे कि वो फिर दसवीं या विजयदशमी की छुट्टी क्यों मनाते हैं जब राम थे ही नहीं या राम होने का प्रमाण नहीं, तो ये छुट्टी किस प्रकार की? जब वो छुट्टी मना रहे तो वो राम के नाम से मना रहे हैं, तो राम मंदिर बनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर इतने सालों से नहीं बना है और ये राजनीतिक लोग जो आज तक शासन करते आए हैं राम मंदिर का मुद्दा उठाकर वोट ले जाते हैं, लेकिन राम मंदिर को भूल जाते हैं। राम मंदिर पर वोट ले जाते हैं और राम मंदिर को भूल जाते हैं। आज इन 4 सालों से 5 सालों से हमने सोचा था कि हमारा एक ऐसा शासक जो हमारा राम मंदिर बनवाएगा, लेकिन वो भी शासक बनने के बाद राम मंदिर को भूल गया। मैं इस संत समाज की तरफ से, आप सब की तरफ से उस शासक को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, या तो राम मंदिर बनवा दो, नहीं तो इस कुर्सी को उठाकर फेंक देंगे। आपको उठाकर वहां डाल देंगे जहां से आप आए हैं। देखिए, भारत की यह संस्कृति और सभ्यता रही है कि भारत का जो समाज है वो संतों से चलता रहा है और समय समय पर उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया है उसका पालन सभी जो शासक रहे हैं उन्होंने उसका पालन किया है। और हम भी परमपिता परमेश्वर से भगवान राम के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वो नौबत ना आए कि कोई हमें कुर्सी से उतार कर फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, उससे पहले ही हम इस काम को कर देंगे।